इस वक्त की बड़ी खबर अशोक नगर से, जहां तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से बहादुरपुर की निचली बस्तियों सहित कई गांवों में पानी भरा गया है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विवेक शर्मा से। विवेक, बताएं कि बारिश के चलते कौन सी नदियां उफान पर आ गई और अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहादुरपुर क्षेत्र की कैथल और मौला नदियां उफान पर हैं। यहाँ के पुल जो है उनके ऊपर से पानी निकल रहा है जी, और कुछ क्षेत्रों में पानी पहुंच भी चुका है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दी। हाँ विवेक, आप बताएं कि बारिश से प्रभावित लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या प्रतिबंध अभी तक लगा दिए गए हैं? जी, अभी जो रास्ता है वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं जिससे लोग वहाँ से निकले ना जी, और प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है जी। तो आपको बता दें कि अशोक नगर से भारी बारिश की वजह से बहादुरपुर स्थित केथन नदी तेजी से बढ़ रही है। पुल के 4 फुट ऊपर से बह रहा है पानी, जिसके चलते नेशनल हाईवे 346 बंद कर दिया गया है। बहादुरपुर की निचली बस्तियों सहित कई गांवों में पानी भरा गया है। दुकानदार अपनी दुकानों से सामान खाली कर रहे हैं। बहादुरपुर क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।